दोस्तों, अगर आपकी कमर में दर्द है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, या काम करते हुए आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और जब सुबह उठते हैं तो आपके दर्द शुरू हो जाता है, चलने फिरने में बहुत सारी परेशानी आ रही है, और बहुत सारी दवाइयाँ, एक्सरसाइज और स्टीरॉयड मेडिसिन आपके खा के देख चुकी हैं पर कोई आपको फायदा नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे घरेलू चीजें जिनको खाकर आप इन सभी तरह की दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन घरेलू रेमेडी से आपने एक दवा तैयार करनी है जो आपके घर की रसोई में ही ये सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले जो बीमारियों के कारण है, कैल्शियम की कमी होना, ESR का बढ़ना, इन्फेक्शन होना, ज़्यादा मेडिसिन या स्टीरॉयड खा लेना, तो ये कुछ मेन कारण है दोस्तों। अब चलते हैं, जो पहला इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है वो है ग्लोए। ग्लोए को इंग्लिश लैंग्वेज में टीनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया बोल देते हैं। ग्लोए एक तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है दोस्तों। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स वो फूड्स होते हैं जो शरीर में किसी भी जोड़ पे कोई भी दिक्कत हो, चाहे सर्वाइकल में है, चाहे कंधे में है, चाहे कमर में है, वहाँ पे सूजन को कम करना शुरू कर देते हैं। आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस बनना शुरू हो जाता है, आपकी जोड़ है स्मूथली चलने लग जाते हैं, और सुबह उठते ही जो आपको स्टिफनेस लगती है आपकी कमर में, आपके घुटने से चला नहीं जाता, आपकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, अर्थराइट्स का छोटी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, ये एक तरह का पेन रिलीवर है दोस्तों। आपको दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, अम्यूनो मॉडुलेटर है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ हमारा शरीर खुद पैदा करने लग जाता है, जैसे थायराइड को हम खुद पैदा करने लग जाता है, कभी कभार ऑटोइम्यून टाइप का थायराइड हो जाता है, डायबिटीज को ये सुबह के समय जो मॉर्निंग फास्टिंग जो शुगर बढ़ती है उसको ग्लोए बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही अर्थराइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा काम है इसको, जब हम रेगुलरली ग्लोए को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये इन्फेक्शन को कम करता है, और ख़ास करके पेट की इन्फेक्शन जिससे गैस होता है, एसिडिटी होता है, पेट फूला रहता है, लीवर जिनका फैटी हो चुका है उनके लीवर को ये रिपेयर करता है। और जब हम इसको 2-4 दिन ले लेते हैं और लंबे समय तक 30 दिन तक लेते हैं, तो ये ब्लॉकेज को खोलता है जिससे आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट हेल्थी बनता है और हार्ट की बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं, और कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है, और मॉर्निंग टाइम जो सुबह उठते ही शुगर का बढ़ना उसके लिए रामबाण दवा है, और नसों की कमजोरी तो ये पहले ही दिन से ठीक कर देता है। तो ग्लोए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, आपके घर में ये इजीली अवेलेबल हो सकती है। दूसरी जो चीज़ आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है, खानी है, वो है आंवला। आंवला एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरा हुआ बहुत ही बढ़िया मल्टी विटामिन है जो आपकी घर में, आपके रसोई में, आपके आंगन में इजीली अवेलेबल है दोस्तों। आंवला की रेगुलरली सेवन से आपके शरीर में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आप देखते थे सुबह उठते ही आपसे चला नहीं जाता था, घुटने की ग्रीस आपकी सूख चुकी थी और आपकी स्किन टोन है बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक होता है, तो आपके दर्द की जो आपकी पिंडलियों में दर्द था वो सभी तरह के दर्द बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाते हैं, आपके काम करने का स्टेमिना, और खास करके जो आप रात को बिल्कुल थक टूट कर सोते हैं तो आप फ्रेश ही सोएंगे और फ्रेश ही उठेंगे दोस्तों। तो इससे हेयर ग्रोथ की भी बहुत बढ़िया आती है, जिनकी दवाइयां खाने से या बीमारी की वजह से उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ गया है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ब्लड प्योरीफायर है, खून को साफ करता है। जब हम खून को साफ कर लेते हैं दोस्तों, तो नसों की ब्लॉकेज को, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी नस ब्लॉकेज हो जाती है, वो ब्लॉकेज आपकी दूर होने लग जाती है। अगर लीवर में ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से फैटी लीवर हो गया, तो लीवर की ब्लॉकेज दूर होने लग जाती है। तो ऐसे ही जोड़ों के ब्लॉकेज, कमर की ब्लॉकेज है, जहाँ आपकी कोई नस दब गई थी, वो ब्लॉकेज को बहुत ही बढ़िया ठीक करता है। और आंवला एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, जो सुबह की बढ़ने वाली शुगर, जो बहुत बीमारियों की जड़ है, सुबह उठते खाली पेट जो शुगर बढ़ती है आपकी 160 तक चली जाती है, 180, 200, 300 तक चली जाती है, 190, 250 या 420 तक चली जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर है दोस्तों। आंवला आप जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। तीसरा है एलोवेरा। एलोवेरा एक तरह का मिनरल से भरा हुआ पौधा है जो इजीली आपके घर में उग सकता है दोस्तों।
एलोवेरा की जो कंपोजिशन है, जो इसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, वो किडनी को डिटॉक्स करते हैं। तो अगर आपको किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जहां आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, किडनी की बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, स्टोन बन रहे हैं, उसके अंदर बहुत गुणकारी होता है, तो किडनी को डिटॉक्स करता है। ऐसे ही लिवर की आपको कोई समस्या चल रही है, आपके गले तक तेजाब आता है, पेट में दर्द रहता है, लिवर डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे शुगर का बढ़ना, आपको थायराइड होना, आपको हाई बीपी की समस्या होना, ये आपकी आंतों में जब बहुत एक दो साल पुरानी चीज़ें चिपकी रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो उन चिपकी हुई चीज़ों को बाहर निकालता है, आंतों को क्लींज करता है, कोलन को क्लींज करके ये आपकी कब्ज को तोड़ता है। तो इससे आपका सुबह उठते ही जो बीपी की गोली खाते थे, शुगर की गोली खाते थे, मॉर्निंग फास्टिंग टाइम शुगर बढ़ जाती थी, वो धीरे धीरे कम होकर आपकी दवाइयां बंद होने लग जाती हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि इन सभी नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है। दोस्तों तो इस सभी नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है, आपको चाहिए ग्लोए का पाउडर। ग्लोए का पाउडर आपको शुद्ध इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से, तो ऐसे ही आंवला का भी हमें पाउडर चाहिए, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। एलोवेरा आपके घर में ही उग सकता है, तो ये आप अपने लगा लें, ये फ्रेश मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप इसका एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। एलोवेरा जूस आपको मार्केट से मिल जाएगा या फ्रेश ले लें। तो 1/3 हिस्सा, एक चम्मच का तीसरा हिस्सा आप ग्लोए का पाउडर ले लें, एक चम्मच का तीसरा हिस्सा आप आंवले का पाउडर ले लें, इसके अंदर एक चम्मच जो एलोवेरा का गुद्दा आप साफ निकाल लें, उस गुद्दे को मिक्स कर लें इन पाउडर के साथ, और इन सभी को आप सुबह एक कप गुनगुने पानी के साथ खा लें। जहां अगर आपको एलोवेरा का जूस मिल जाए, तो एलोवेरा का एक चम्मच जूस है, इन सभी जो पाउडर है ग्लोए और आंवला का, जो एक चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने पाउडर लिया है इन दोनों का, इसके साथ मिक्स करके आप सुबह एक कप गुनगुने पानी के साथ पी लें, तो आप पाएंगे 7 दिन के अंदर ही आपके पूरे शरीर के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। चाहे आपको लिवर कोई कोई प्रॉब्लम है, चाहे किडनी की कोई प्रॉब्लम है, चाहे शुगर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे आर्थराइटिस है, बहुत ही बढ़िया दबी नसों को ये खोलने का नुस्खा है। दोस्तों सुबह खाली पेट एक टाइम ही करना शुरू करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदे देगा। इसके बिना जिन लोगों को 7 दिन के अंदर कम फायदा मिले, तो इसको मैक्सिमम आप 45 दिन तक कर सकते हैं, उसके बाद इसको एक बार बंद कर देना है, 1-2 हफ्ते रुक के दोबारा से शुरू कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर कम आपको फर्क महसूस हो, तो आपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, कहीं उनका CRP ना बढ़ा हो, या जिन महिलाओं ने अबॉर्शन पिल्स खाई हैं उनको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सभी बीमारियां जो आप देख रहे हैं, तो जब तक उनके साइड इफेक्ट नहीं निकालेंगे, उनको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों को टाइफाइड 10 साल पहले हुआ था, तो टाइफाइड बुखार की बीमारी नहीं है, ये आपकी हड्डियों को बीमार करता है, आपके लीवर को बीमार करता है, आपकी किडनी को बीमार करता है, आपकी छोटी बड़ी आंत को बीमार करता है। तो जब तक इसका आप इलाज नहीं लेंगे, आज भी आपके पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट टेस्ट में, जो कि स्लाइड मेथड से आप कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये नुस्खा काम करेगा। और जिन लोगों को डेंगू हुआ है, वो भी इस नुस्खे को अजमाएंगे, पर उनको कम आराम मिलेगा, क्योंकि जब तक आप डेंगू, टाइफाइड, अबॉर्शन पिल्स के साइड इफेक्ट नहीं निकालेंगे, तब तक पूरा ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए MRI और एक्सरे और CRP जरूर करवाएं, ताकि आपकी बीमारी का आपको पता लग सके। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वाल खराब हैं, थायराइड, जहाँ आपको डायबिटीज़ हो गया है, जिसके लिए बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, लाइलाज बीमारियाँ, इन सभी का आप इलाज होम्योपैथी और आयुर्वेदा से कर सकते हैं। मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।